नमस्कार सभी भाइयों को। मैं रितेश बरवड़ हूँ, बेरोजगार छात्र संघ से। और आप सभी भाइयों को दशहरा और रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को आज सभी को दशहरे की और रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपके बीच में आज लाइव आने का दो तीन कारण है, उस वजह से मैं लाइव आया हूं आपके बीच में। एक तो जो 2013 की जो भर्तियां हैं, एएनएम की हो, एएनएम जीएनएम हो, एनआरएचएम की, आयुर्वेद की हो, पंचायत राज की हो, इन सभी भर्तियों को लेकर अपन कांग्रेस के घोषणा पत्र में इनको घोषित करवाने की कोशिश में है। और इस संबंध में मेरा सचिन पायलट जी से, रामेश्वर डूडे से और अशोक जी गहलोत से, तीनों से इस बारे में बात हो चुकी है। और जो 2013 की जो भर्तियां हैं, इसमें विद्यालय सहायक जो भर्ती है सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग चल रही है, 33,000 भर्तियां, उसको लेकर, एनआरएचएम की जो शेष रहे पद हैं उनको लेकर, और पंचायत राज के एलडीसी के जो शेष रहे पद हैं, और पंचायत राज एसएसआर के जो पद हैं, और आयुर्वेद विभाग के जो पद हैं, इन सभी भर्तियों को लेकर कांग्रेस के आलाकमान से मिले हैं। और उनको इनके घोषणा पत्र में, जैसे सरकार अगर इनकी आती है तो सबसे पहले प्राथमिकता इन्हीं भर्तियों को दी जाए, इस तरीके से घोषणा करवाने की एक कोशिश कर रहे हैं। और इस संबंध में एक बड़ी स्तर पर माननीय अशोक गहलोत जी से आवास पर भी मिलने का प्रोग्राम है, तो बड़ी संख्या में वहां अपन अशोक जी गहलोत और सचिन जी पायलट, इनसे बड़ी संख्या में अपन या तो इनके कांग्रेस कार्यालय में मिलेंगे या इनके आवास पर मिलेंगे। और इनसे सभी राजस्थान के सभी बेरोजगार युवाओं जो इस भर्ती से पीड़ित हैं, उन सब की एक ही मांग रहेगी कि हम आपको तभी वोट देंगे तब जब आप हमारी इन भर्तियों को पहली प्राथमिकता देंगे। तो सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि इसमें आपका बहुत योगदान होना जरूरी है और ये अपन के घोषणा पत्र में करवाएंगे। दूसरा मेन है कि अभी राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ के तहत एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें पंचायत राज की जो एसएसआर भर्तियां हैं 1513, तो उसमें एक तो इंजीनियर के जो पद हैं, इसमें अकाउंटेंट के पद हैं, आयुष कोऑर्डिनेटर के पद हैं, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के पद हैं, ऐसे कुल मिला के एपीओ के पद हैं, ऐसे मिलाकर कुल मिलाकर 1413 पद हैं। इस भर्ती को लेकर पिछले 5 साल से इस भर्ती को करवाने के लिए कई बार कानून की शरण में गया। सबसे पहले राजस्थान रोजगार छात्र संघ इस भर्ती को लेकर 2014 में 32008 जो अर्चना वाला मैटर था, उसमें हमने संगठन के तहत एक याचिका लगाई थी, लेकिन वहां हमने एक सरकार के साथ कॉम्प्रोमाइज करके, सरकार करवाना चाहती है तो हम इसका सहयोग करते हुए इनका साथ दिया। उसके बाद हमें बार बार आश्वासन यही मिल रहा था कि भर्ती हम शुरू करेंगे शुरू करेंगे शुरू करेंगे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। उसके बाद में फिर हमने हाई कोर्ट याचिका में, याचिका हो या याचिकाकर्ताओं को कंसिडर करने का आदेश हुआ, वो भर्ती शुरू करने का आदेश हुआ, लेकिन इन्होंने हर आदेश तैयार कर रखा है। हमें ये इन पदों पर भर्ती करके नहीं दे सकते, अभी फिलहाल हमें इस को विरोध कर रखा है। ये इनका बार बार हर याचिका का आरटीआई हो या अदर कुछ, सभी का एक ही जवाब राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ ने मुहिम
तो उठाई है हमें सरकार के इन आदेश बार बार एक ही तरह के जवाब कि हमने ऐसे कर लिया वैसे कर लिया, किसी आदेश को नहीं मानने पर हमने सुप्रीम कोर्ट का दोबारा रुख किया, वहां हमने दोबारा रुख किया है और हम वहां सरकार के खिलाफ एक सुप्रीम कोर्ट में एक अवहेलना याचिका या जनहित याचिका इस तरह से एक कंटेम का लगाने का एक प्रोग्राम तय किया है कि कंटेम लगाएंगे सरकार के खिलाफ, क्योंकि इन पंचायत राज जैसे सार भर्तियों पर नियुक्ति तो लेके रहेंगे ये साफ, चाहे कोर्ट के तहत लेके रहें चाहे हम स्वयं कोशिश करके रहें लेकिन इनमें नियुक्ति लेके रहेंगे। ये सब एक तरीके से 100% कन्फर्म है कि इन पदों पर नियुक्ति लेके रहेंगे किसी भी तरीके से, चाहे मैं मेरे स्तर पर जितनी कोशिश करूंगा उतनी कोशिश करूंगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट में मेरे को क्या कुछ भी करना पड़े वो मैं करूंगा। लोग कहते हैं ना कि जब आदमी को सक्सेस किसी चीज में नहीं मिलती तो बार बार उसकी आलोचनाएं होती, किसी भी तरह की आलोचनाएं हो सकती, ऐसे ही कई उस चीज में आलोचनाएं मेरी हो सकती हैं, लेकिन मेरा एक डर एक ही संकल्प है, आलोचना हो चाहे किसी तरह का कुछ भी हो, मैं इन भर्तियों को किसी भी तरीके से मेरे को चाहे एन केन प्रकार हैं इस भर्ती में पीड़ित जो 5 साल से हैं उनसे मैं वाकिफ हूं किस हद तक किस तरीके से पीड़ित होते रहते हैं, उनके लिए मैं किसी भी तरीके से कोशिश करके भर्ती को शुरू करवा के नियुक्ति प्रोसेस शुरू करवा के दूंगा। एक मैंने सुप्रीम कोर्ट में कंटेम जो दर्ज करवाने के लिए एक मुहिम चलाई है, आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरा इसमें आप बहुत बड़ा बहुत सहयोग करें, इसमें मेरे एक हमारे संगठन का आप इस याचिका में जुड़कर या किसी भी तरीके से हमारा ऐसा ऐसा हमें ऐसा मजबूती दें कि हम वहां तक पहुंच सके, हम वहां लड़ सके, क्योंकि वहां लड़ने के लिए हमें हर चीज की जरूरत है। तो आप सभी भाइयों से मेरा हाथ जोड़ के एक ही निवेदन है कि सब चीज भूल कर एक अंतिम कोशिश करके देखिए, ये अंतिम कोशिश है सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका के तहत एकमात्र कोशिश है ये संगठन की। मैं कह रहा हूं 100% जीत होगी लेकिन 50% तो कहीं ना कहीं बचा है। आप एक चीज मानो कि आपने इतनी कोशिश की लेकिन एक कोशिश ये कर दे इसमें अपन को विजय मिल जाए तो क्या बुरा है, वो इससे मिल सकती है, क्योंकि मैंने हर तरीके से कानूनी भी राय में ली है, हर तरीके की जीत इसके लिए आप लोगों को इस संगठन का पूरा पूरा सहयोग करना। जिस तरीके से कंटेन का सब्जेक्ट तैयार करवाया है, जिस तरीके से याचिका अपने जो कंटेन तैयार हो रही है उस तरीके से लगता है कि 100% जीत हो। प्रशासन को विभाग को पता लगते ही कि राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ सुप्रीम कोर्ट में एसएससी करने वाला है, ये चीज सुनते ही सुप्रीम कोर्ट में विभाग के वकीलों की लगातार चहल पहल बढ़ गई है, वो इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि कौन सा वकील है कौन सा क्या किया है इसे उससे में लगातार लगे। लेकिन मैं जब तक डिक्लेयर ऐसी कोई आप पब्लिक में नहीं करता जिससे इस फेस लेटर को किसी तरीके का कोई ऐसा ध्यान नहीं दूंगा उस वकील को है कि ये सब्जेक्ट है, आज जीत होगी उसी दिन आपको मैं इस तरीके से सारी पंचायत राज अंतिम कोशिश
से भाइयों, और इस लोग एक लास्ट बार भगवान के हाथ जोड़ के और एक बार देखी, क्या पता हमारे अपने जीत से। मेरा निवेदन है कि इस पंचायत राज एसएसआर के लिए जो अपने तो इससे आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े, आप इस कंटेंट हो चुके हैं, सभी लोग इस कंटेंट में शामिल हो सकते हैं। तो आप सभी भाइयों से मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस कंटेंट का ज्यादा से ज्यादा आप लोग हिस्सा बने। तो आप सभी लोग एक बार अंतिम बार कोशिश करो, मेरा तो कहना आप लोगों से ये है। और मैं आज सबको सामने राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ इस भर्ती को लेकर कानूनी कार्रवाई लास्ट ही कर रहा है, इसके बाद में कभी कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा। तो इसलिए सभी भाई जो इसमें पंचायत राज जो एसएसआर भर्ती हैं, इसमें इंजीनियर के पद हैं, अकाउंटेंट के पद हैं, एपीओ के पद हैं, कोऑर्डिनेटर कंप्यूटर सेक्टर के पद है, कोऑर्डिनेटर के पद है, इससे कुल मिलाकर 4913 पद हैं। उसके उन सभी पदों को पर नियुक्ति की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में की याचिका लगा रहे हैं, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा भाग लीजिए। और जैसे आलोचनाएं करने वाले जो नपुंसक लोग हैं, कई तरह की आलोचनाएं करते हैं, ऐसे नपुंसक लोगों के वो अपने मां बाप के सगे नहीं होते, ऐसे लोग कुछ मेहनत भी नहीं करना चाहते और न किसी को करने देते, आलोचनाएं हर चीज में आलोचनाएं ढूंढते रहते हैं, ऐसे नपुंसक लोग। तो उनकी भी व्यवस्था चल रही है, समय पे उनको भी पता लगेगा। और जो भी इस भर्ती को रोकने की कोशिश कर रहा है, जो इसे नॉन सिविल हो या जो ऑलरेडी संविदा पे काम कर रहे हैं वो हो, या कम अकाउंटेंट में जो नॉन कॉमर्स हैं वो हो, कोई भी है, उनसे भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस भर्ती को पूरा होने दीजिए, इसके खिलाफ मत जाइए। आप अपना कोई ऐसा उसमें सेक्शन करवाइए कि हमें भी इसमें शामिल कर लें, लेकिन इसे रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं आप लोगों के खिलाफ नहीं हूं, मैं आप लोगों के साथ ही खड़ा हूं। क्योंकि मैं भी ये नहीं चाहता कि जो 10 साल से काम कर रहा है, 5 साल से काम कर रहा है, वो भर्ती से वंचित हो। तो अपन को कहीं ना कहीं इसके लिए अपन सबको मिलकर एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि आप लोग तो अगर आप लोग इस भर्ती को लेकर कोर्ट में नहीं जाते, या इसको भर्ती को लेकर आप इस तरह की सोच नहीं रखते, तो भर्ती तो कब की पूरी हो जाती, 2016 में पूरी हो जाती भर्ती। लेकिन आप लोगों की बार बार कि इसको तो कैंसिल करो, या इस तरीके से करो, या इस तरीके से करो, अरे आप उसी चीज में कोई ऐसा रास्ता ढूंढो कि हमें इसमें पंचायत राज रूल डिपार्टमेंट में ये लिखा हुआ है कि इस डिग्री के जो इस डिपार्टमेंट में इस पोस्ट के लिए ये डिग्री होना जरूरी है, तो फिर वहां कैसे मेंशन होगा? तो वहां आप अपने एक्सपीरियंस को लेकर आप इंक्लूड करवाए कि भाई इस तरीके से अगर 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो सीधा पंचायत राज भर्ती में या किसी में वो कर सकता है। तो आप इस तरीके का रास्ता ढूंढिए और भर्ती को एक तरीके से नीचे लुढ़काने की कोशिश ना। तो मैं सभी से निवेदन है कि सभी लोग पॉजिटिव कोशिश करें, सब लोग कोशिश करते हैं सभी। तो राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ जो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से लगाने जा रहा है, उसमें आप सभी की मदद चाहिए, और बाकी भगवान मदद करेगा और हम लगा के रहेंगे पूरा। सभी से निवेदन है कि सभी लोग पॉजिटिव कोशिश करें, सब लोग कोशिश करते हैं सभी। तो राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ जो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से लगाने जा रहा है, उसमें आप सभी की मदद चाहिए, और बाकी भगवान मदद करेगा और हम लगा के रहेंगे पूरा। जो हमने सोचा है, ठाना है, 5 महीने में, 6 महीने में, कभी भी इसका साल में कभी भी फैसला हो, लेकिन हमारे पक्ष में फैसला होगा और हम वहां से आपकी बार कुछ करवा के लाएंगे, ये मैं आपको
विश्वास दिलाता हूँ, मेरी पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि कुछ अच्छा हो। और जो भी ये नहीं चाहता कि भर्ती को रोकने की कोशिश कर रहा है, तो उन लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग अपनी किसी का बुरा मत हो, जो चीज हो रही है उसको होना। तो सभी बेरोजगार साथी, सभी जो संविदा साथी हैं, वो सभी लोग इस मुहिम से जो जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है। सभी भाइयों को नमस्कार, विजयदशमी की और रामनवमी की सबको बधाई हो, सबके आपके परिवार में खुशियां आए। और मेरी तो भगवान से दुआ यही है कि आप सबके बीच में एक नौकरी की खुशी आए, अपनी कोशिश कामयाब हो, भगवान अपनी कोशिश को कामयाब करे, सबके परिवार में खुशी हो, सबके परिवार में हर बंदा जो इस भर्ती में पीड़ित है, हर बंदा एक सरकारी नौकरी लगे ताकि उसके परिवार में सब अपना अपना अच्छा अच्छा चाहते हैं। मेरी भी आप लोगों से यही प्रार्थना है कि भगवान आपको सब कुछ दे।